बिहार के पहला मुख्यमंत्री के रहे? भूल गए हैं थोड़ा। बिहार के बारे में क्या जाना था? बिहार के बारे में तो बहुत। पहला मुख्यमंत्री के रहे? सबसे पहला मुख्यमंत्री के रहे? उतना हमारा याद ना है। बिहार का पहला मुख्यमंत्री के रहे? पहला मुख्यमंत्री इतना अभी याद ना है, लेकिन बता दें। नहीं पता है? पता है मगर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। इज्जत चल जाता ना। हाँ भैया मेरा रील काट दीजिएगा। पक्का? पक्का काट दे बाबू। ना काटो। नहीं काट दीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ठीक ठीक काट दे बाबू। मार दे। पढ़ाई कैले बड़ा देखो भाई, पढ़ाई के लिए बड़ा वीडियो जाई तो फिर इज्जत चल जाए। बिहार के सुप्रसिद्ध मेला सोनपुर में है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और जो आज के ज़माने में जिस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, खटिया, इसे ख़त्म कर दिया गया है और इसके जगह पर सोफा लगा दिया जाता है। जब भी किसी बड़े आदमी धनाढ़ आदमी के घर में जाइएगा तो सबसे पहले उसके जो हॉल होता है उसमें सोफा दिख जाएगा, कुर्सी नहीं दिखेगा। लेकिन ये खटिया जो आज से 20 साल 30 साल 50 साल पहले खटिया का इस्तेमाल खूब जम के होता था, ये सोनपुर मेला में मिल गया, तो इसे कवर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी भाई साहब लोग पता ना खटिया पर कभी बैठे हैं जी? नहीं है, पहली बार बैठ रहे हैं जी। अच्छा आपका क्या नाम है भैया? सुकेश कुमार। कच्ची खाता रहा मुँह में? चिंगम। चिंगम खाता रहा। एक बात बताओ, वो कच्ची हटे हाथ में वो जो धरल कच्ची है वो क्या कहते हैं? मूसर। हैं मूसर ओकर का इस्तेमाल होला? कूटा जाला उसे। कूटल माने का इस्तेमाल का होला? धान कूटाला। तनी शांत मत बताओ, गलत बात बताओ। धान कूटाला उसमें? धान कूटाला। और ये कुछ कूटाला? अरे कुछ मसाला उसला सब कूटाला उसमें। आज के समय में होला ये सब? अभी तो मिक्सर मशीन आ गया है तो सब हटा दिया जाएगा, लेकिन लग रहा है अच्छा है। अच्छा देखने को मिला तो अच्छा लग रहा है। पुराना माने संस्कृति को सोनपुर मेला में बचाया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। जो नए जमाने के जो लड़के हैं उन लोगों से ये बताया जा रहा है कि हमारे ज़माने में किस तरह से होता था। बाकी इसको थोड़ा सा दिखाइए, ये ओखर हो गया और ये इसका मूसर हो गया, इसका इस्तेमाल कैसे होता है आके बताओ। हो लजा मत कि मेहरारू लोग करेला ऐसे कुटाला ना। जितना भी अचार उचार बनेला घर में ना, अचार उचार बनेला तो ओकर जितना मसाला होला सब ऐसे होला। बाकी ठीक हुआ जो छठ में बनेला ओकरो भी गेहूँ के खूब अच्छा से मैं कुटाई होला तब जाला मिल में ना। ये सब प्रोसेस बटे। बाकी जाना पर बैठल बड़े क्या कहल जाला? खटिया कहल जाला। खटिया। और यहाँ काका बटे तनी उठ के बताओ, शर्मा मत, आव चल आव है ना, शर्मा मत। हेकरा क्या कहल जाला? गजब मर दे तू शर्मा तो कैसे होते हेकरा के क्या कहल जाला पहले बताओ? बेंच। बेंच जा मर दे। मचानो कहल जाला? मचानो कहल जाला। अच्छा और एक जे समझा मतलब इसे बांस कैसे बनाओ? बांस के बनाइल बा। बांस के? हां इसे लकड़ी के बनेला, लेकिन देखाय वाला बनाइल ह कि पहले के जमाना कैसी रह। पहले के जमाने में चार गो चाचा लोग आराम से बैठ जई, पंचायत के मुखिया के बनी ऐसेने बना के बैठ जलो, आम के फुलवारी में रखवाली करे के होई त ये सब टाइप के बन जला ना। तो ई नया नया प्रचलन आइल ना भाई, जोन बाटे पीछे लागल ई नया प्रचलन। पहले 10 बरिस पहले 5 बरिस पहले ई सब ना देई आ ई सब अब सोनपुर मेला में इहो देखा रहल जला कि हम मैंने बिहार से प्यार करे। बिहार से प्यार करेला देखावे के पड़ेला कि दिल से आवेला? ना दिल से करेला। तू दिल से करेला कि देखा? हम दिल से करेला, बिहार से प्यार पूरा इंडिया से करेला। जैसे में का बिहार से प्यार करेला तो का करेला बिहार में? बिहार में का करेला ऐसे हम तो पूरा इंडिया से प्यार करेला। इंडिया है, इंडिया के कुछ भी कर सकेला। बिहार तार सब कुछ है? बिहार ना पूरा इंडिया है, तार इंडिया सब कुछ है। तो बिहार भी है तो प्राथमिकता माने तारा लगे सबसे पहले इंडिया के होई ओकरा बाद बिहार। हां ओकरा बाद बिहार। बाकी एगो भैया बड़े भैया फोटो खींचाता है। हाँ का पूछेगा बताओ? छपरा कराने वाले हैं। हाँ। पूछिए इनसे। का पूछिए? बिहार के बारे में। बिहार के बारे में? हाँ जी। तुम्हें बताओ मरते, तू बिहार का हुआ नु? जी हम भी बिहार के हैं। बिहार के बारे में क्या जाना था? बिहार के बारे में तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री के रहे? बिहार का पहला मुख्यमंत्री? हाँ शांत रहिए बताओ। आप बता दीजिए बिहार के पहला मुख्यमंत्री के रहे? भूल गए हैं थोड़ा। अच्छा तू बताओ। नहीं जानते हैं। अरे हम नहीं जानते। आप भैया बिहार के पहला मुख्यमंत्री? वो फोटो खींच दीजिए सर जी। मोबाइल दो रे, रे मोबाइल दो, मोबाइल दो, मोबाइल दो ना पहले, थोड़ा हट जाइए। फोटो ठीक है? ठीक है फोटो खींच वाला भैया के, बाकी भैया का पता नहीं है, लेकिन ये बिहार के बड़ा तोर काट दे बाबू ना, इज्जत चल जाता ना। हाँ भैया मेरा रील काट दीजिएगा। पक्का? पक्का काट दे बाबू। ना काटो। नहीं काट दीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ठीक ठीक काट दे, मजाक करो तनी भाई काट दे। बाकी भाई साहब बिहार ला सब कुछ कर लन, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में नाम नहीं के पता, जो बिहार के पहला मुख्यमंत्री रहलन उनका। बाकी ये लोग से पूछल जरूरी बाटे। तेजस्वी यादव है के हटे मुख्यमंत्री बताओ? के हटे बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। अच्छा सबसे पहला मुख्यमंत्री के रहे? उतना हमारा याद ना है। मार दे। पढ़ाई कैले बड़ा? ना देखो भाई पढ़ाई के लिए बड़ा वीडियो जाई तो फिर इज्जत चल जाए। गांव के परिवार के लोग देखी कहीं हम मैट्रिक पढ़ाई नहीं इंटर पढ़ाई। बिहार का पहला मुख्यमंत्री के रहे? गूगल करो मत बताओ।
पहला मुख्यमंत्री इतना अभी याद नहीं, लेकिन बता दें। नहीं पता है, पता है मगर थोड़ा कंफ्यूजन अच्छी वाला पूछ कच्ची वाला। देखिए सबसे बड़ा बात है कि बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह कहा जाता है, उनका नाम सिन्हा भी कहा जाता था, ठीक है, और वो पहले बिहार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि उस समय बिहार जो था एक देश माना जाता था, सभी कोई एक अलग अलग देश माना जाता था, हर देश के उस समय हर राज्य के, जैसे मगध हो गया, बिहार हो गया, इस तरह से अलग अलग था। जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था उस समय प्रधानमंत्री के पद दिया जाता था, श्री कृष्ण सिंह पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जब चुनाव हुआ, उसके बाद में मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह बने। वाले दो आदमी का नाम आया था, अनुग्रह नारायण सिंह, और इनका महात्मा गांधी कह रहे थे कि इनको बना दिया जाए, लेकिन वो श्री कृष्ण सिंह बने थे, ठीक है। बाकी मुख्यमंत्री वहाँ से लेकर के यहाँ तक की सफर की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह से लेकर के नीतीश कुमार तक जितने भी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं सभी कोई लगभग पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, और पटना यूनिवर्सिटी में हाल ही में अभी चुनाव चल रहा है, आप सबों को पता ही है। बाकी हम लोग इस समय सोनपुर मेला में हैं, और ये मेला के अंदर की नज़ारा है, जो बिहार की संस्कृति है जिसे धूमिल किया जा रहा है, जिसे बर्बाद किया जा रहा है, उस चीज़ को बचाने की यहाँ पर कोशिश हो रहा है। बाकी इसे हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे, ये टायर है, ये टायर है, बात कर सकते हैं आप लोगों से, ठीक। वैसे जिस पे बैठे हैं इसका क्या नाम है पता है आप? बैलगाड़ी। पहले के ज़माने में यूज़ होता था। पहले के ज़माने में इसका इस्तेमाल कैसे होता था बाबू, कुछ पता है? गाय बैल आगे, बैल को आगे बढ़ाया जाता था। अच्छा। बैल को और इसी से जो लोग रास्ता सफ़र करते थे, अभी के समय में तो कार आ गया है, पहले लोग इसी से घूमते थे। बिल्कुल, जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं, जैसे होता है ना कि जैसे माँ है आपकी, ठीक, माँ की जो माँ होंगी ना उनकी जब शादी हुई होगी तो इस चीज़ों से होता था ना। चलिए बाकी ये देख लीजिए, ये बैलगाड़ी है जिसे टायर भी बोला जाता है, और इसके उससे पहले के ज़माने में जाइएगा तो इसे गाड़ी भी बोला जाता था, और इसका जो चक्का होता है ये तो ज़माना जैसे डेवलप किया तो उसके चलते टेक्नोलॉजी आया तो टायर ट्यूर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस समय लकड़ी का चक्का होता था, जैसे कि रथ रामायण महाभारत में देखते होंगे तो उसमें लकड़ी का चक्का जो होता था उसका पहले इस्तेमाल होता था, उसे गाड़ी भी बोला जाता था और बैलगाड़ी भी बोला जाता था। सामने में आगे दो बैल लगते थे और जो चलाने वाले होते थे, बैलगाड़ी को जो चलाते थे वो यहाँ पर बैठते थे, और इसमें हमको जहाँ तक याद है कि आज से 15 साल 20 साल पहले के ज़माने में जब जाइएगा तो इसके ऊपर में खूब अच्छा से जब शादी विवाह होता था तो इसके ऊपर एक अच्छा सा तिरपाल टाइप से, प्लास्टिक टाइप से टांग करके और दुल्हा दुल्हन को लेके आया जाता था, जो आज के ज़माने में ख़त्म कर दिया गया है, और उसके जगह पे आप खूब अच्छा स्कॉर्पियो बोलेरो वैगन आर जैसे गाड़ियों को देख लीजिए और उसमें लड़का लड़की दूल्हा जो शादी करता है उस चीज़ों से लाया जाता है, लेकिन इस चीज़ को अब ख़त्म कर दिया गया है। सामने में एक झूला है और झूला भी बहुत अपने आप में खास है। बाकी ये बिहार के संस्कृति को बचाने के लिए ये किया गया है, ओखर हो, मूसर हो, उसके अलावा में खटिया हो, मचान हो और बैलगाड़ी हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, जो हमारे संस्कृति से और हमारे राज्य से ख़त्म किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे युवा है, कहाँ से है दोस्त? मुजफ्फरपुर। हाँ भैया, मुजफ्फरपुर सब गोल जमे मुजफ्फरपुर। आज बड़ लोग देखे जी मेला घूमे, मेला घूमे कहाँ कहाँ देख रहे हैं मेला में? मेला में तो अभी अभी कर लिए, देख ले कहाँ दिला, पूछो ना, पूछो ना, देख लिया अभी बड़ी अफसोस। प्रोग्राम चला तो में से निकल गए। कौन प्रोग्राम? वे गार वाला ना टीवी में बताओ तो कहाँ की जाने कथी कहता है तू बता, सुन लिया कौन है? खैर पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे, नाम कैसा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।